Ajay and I'm back with new creative idea. I hope you all are doing good and thank you so much for your support. आप लोगों ने बहुत support किया इन दिनों मुझे, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. Guys, जैसा कि आपने thumbnail में देख लिया है, आज हम करने वाले हैं bottle art. और guys, मैंने बहुत सारी beautiful सी bottles का collection कर रखा है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. और हम जो इतने सुंदर सुंदर बॉटल्स लेकर आए हैं आपके लिए, उनके ऊपर जो मैं आर्ट करने वाली हूँ, वो अगर आपको देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बॉटल का कलेक्शन. और सबसे पहले हम चलते हैं अपने कबाड़ की तरफ. सो गाइस, इसे मैं कबाड़ कहूँ या क्या कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी बहुत सारी काम की चीजें रखी होती है. बहुत सारा आर्ट करने के लिए मैंने यहाँ सामान रख रखा है और आप देख सकते हो इतनी प्यारी प्यारी सी बहुत सुंदर सी बॉटल्स रख रखी है. तो मैं इन सब बॉटल्स को बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितनी ब्यूटीफुल से शेप्स हैं इन बॉटल्स के, अलग अलग साइज, अलग अलग पैटर्न की बॉटल्स हैं और इन सब पे हम आर्ट करने वाले हैं. बट आज के लिए मैं इनमें से एक बॉटल चूज कर लेती हूँ. चलिए इस बॉटल पर करते हैं हम आज का आर्ट. सबसे पहले बॉटल के स्टिकर्स को पील करना है और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि मैं हाथ से ही इन्हें पील कर लूं, बट ये इजी नहीं था क्योंकि ये स्टिकर्स बहुत ज्यादा स्टिकी भी होते हैं और इतने स्ट्रांगली चिपके हुए होते हैं और इतने सारे स्टिकर लगे हुए हैं इस पे. तो मैंने होल नाइट के लिए इसे पानी में सोक कर दिया और क्विकली मैंने इसे उसके बाद में पील कर दिया. सो आवर बॉटल इज रेडी. अब हम इस पे करते हैं आर्ट. उसके लिए मैंने लिया है फेविकॉल एंड फेविकॉल में थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स कर लिया है, क्योंकि हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए फेविकॉल की, वो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में चाहिए. तो हमने पानी मिक्स किया है और मैंने लिया है टिश्यू पेपर. फेविकॉल को बहुत अच्छे से बॉटल पर स्प्रेड करना है, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए. और टिश्यू पेपर को इस तरह से रखते हुए हमें स्पेस स्टिक कर देना है. पूरी बॉटल को हमें इसी तरह कवर करना है टिश्यू पेपर से और हमें दो तीन लेयर टिश्यू पेपर की करनी है. गाइज, जब तक मैं टिश्यू पेपर बॉटल पे लगा रही हूँ, तब तक आप एक बार चेक कर लीजिए फिर से कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. अगर नहीं किया है तो अभी कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो और देखते जाइए मैं किस तरह से टिश्यूज इस पर स्टिक करती हूँ. बॉटल को टिश्यू के कवर करने के बाद में और ड्राई होने के बाद में ये कुछ इस तरह से लगेगा. अब हमें जो भी डिजाइन लेनी है वो हम पेंसिल और स्केल की हेल्प से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे. मैं यहाँ पर कुछ कैसल का डिजाइन देने वाली हूँ और गेट में थोड़ा एंटीक लुक में देने वाली हूँ. तो मिक्स मैच हम करने वाले हैं, थोड़ा डिफरेंट दिमाग लगा रही हूँ मैं अपना. और गेट अलग तरह से, कैसल का अलग तरह से ऊपर से डोम शेप देकर बनाने वाली हूँ. तो देखते जाइए क्या करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आइडिया जो मेरे माइंड में है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बनने वाला है. सो लेट्स सी. यहाँ पर मैंने डोर का एक शेप इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो, बहुत इजी है. इतना ज्यादा हम इसमें डिटेलिंग कर नहीं रहे हैं डिजाइन में, तो इजीली मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है. और अब मुझे चाहिए यहाँ पर एयर ड्राई क्ले. एयर ड्राई क्ले के लिए मैंने यहाँ यूज किया है मोल्डेड क्ले. और आपको पूरा मोल्डेड क्ले एक साथ नहीं लेना है, इसमें रेजिन एंड हार्डनर टू पार्ट आते हैं. तो थोड़ा पार्ट आपको रेजिन का और थोड़ा पार्ट आपको हार्डनर का लेना है. इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना होता है और इसे वापस आप एज इट इज रख दोगे तो ये ड्राई भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा, क्योंकि ये तभी ड्राई होने लगता है जब आप इसे मिक्स करते हैं. तो टेलकम पाउडर की हेल्प के साथ मैं इसे मिक्स कर लूंगी, क्योंकि टेलकम पाउडर से मेरे हाथ पे ये थोड़ा स्टिकी नहीं होगा. और हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, रेजिन और हार्डनर दोनों को इतना अच्छे से मिक्स कर लेना है. इस तरह का टेक्सचर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए गाइस, और परफेक्टली इसका मिक्सिंग हो जाना चाहिए. पूरा मिक्सिंग करने के बाद में मैं यहाँ बना रही हूँ कुछ कॉइल्स और हाथ की हेल्प से ही मैं कॉइल बना लूंगी, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग कॉइल्स इसमें जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर मैंने कॉइल्स भी बना ली है एंड फेविकॉल की हेल्प से मैं यहाँ कॉइल्स को स्टिक कर रही हूँ. सो लेट्स सी हाउ इट विल लुक.
नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा पार्ट जो क्ले का बचा हुआ है मैंने उसे लिया है और ब्रश की हेल्प से इस तरह से मैंने इसे रोल कर लिया है क्योंकि छोटा सा क्ले का पार्ट है ये ब्रश की हेल्प से भी रोल हो जाएगा। और अब यहाँ पर मुझे छोटे छोटे से फ्लावर्स कट करने हैं, इसके लिए मैंने लिया है फ्लावर कटर। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छोटे छोटे से रोल्स बना के आप हाथ से भी बना सकते हो फ्लावर, या पेपर कटर से भी आप फ्लावर को कट कर सकते हो। मेरे पास कटर है तो मैंने इतने सुंदर सुंदर से फ्लावर्स इनको कट कर लिए हैं। यहाँ पर मुझे 10 फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं गेट के बीच में इन फ्लावर्स को लगाने वाली हूँ। गाइज ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। अगर अभी तक का प्रोसेस आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बता दीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। एंड कैन यू गेस कलर, आप कलर गेस कर सकते हो कि मैं कौन से कलर यूज करने वाली हूँ। अभी देखते जाइए, आगे हम कलरिंग भी करेंगे बट अभी तो क्ले पार्ट बहुत सारा बचा हुआ है। अभी हम और भी इसे कैसल का शेप देने वाले हैं इसलिए मैं और क्ले यूज करूंगी, डोम बनाऊंगी। उसके लिए देखते जाइए कि हम क्या करते हैं। मोल्डेड क्ले ही मैं यहाँ यूज करती रहूंगी और उसे इसको आर्ट को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर गेट पे मैं कुछ हैंडल्स बना देती हूँ, इस तरह से दो राउंड राउंड हैंडल बना देते हैं ताकि ये एंटी गेट का लुक दे। मुझे तो ये गेट बहुत ही पसंद आ रहा है गाइज, आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। पूरा प्रोसेस देखते जाइए कितना सुंदर हमारा बॉटल बन जाएगा।
सो गाइस, क्ले वर्क हो गया है हमारा कंप्लीट। दोनों साइड हमने विंडो बना दी है, सामने ब्यूटीफुल सा गेट और डोम शेप दिया है। इतना प्यारा सा ये आर्टिकल लग रहा है। कंप्लीट ड्राई होने के बाद में ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब ये तैयार हो गया कलरिंग के लिए। तो कलरिंग करने से पहले हमें इसे करना होगा बेस कोट, और बेस कोट के लिए आप जेसो भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ लिया है व्हाइट एक्रेलिक कलर। व्हाइट एक्रेलिक कलर का बेस कोट करने के बाद में मैं जो भी कलर यूज करूंगी वो बहुत ही फिनिशिंग से होने वाले हैं, इसलिए हम व्हाइट एक्रेलिक कलर का बेस कोट देते हैं ताकि हम जो भी कलर करें उसमें फिनिशिंग अच्छी आए। गाइज, आपको ये आर्टिकल कैसा लग रहा है अब तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा, क्योंकि स्किप कर दोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपके छूट जाएंगे। और आपको भी अगर इस तरह के आर्ट बनाने हैं तो बिना स्किप किए आपको ये वीडियो देखना है। और लास्ट में फिर से एक बार कमेंट करके आपको बताना है। लाइक कर दीजिए, सेव कर लीजिए वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अब देखिए, ये पूरा व्हाइट एक्रेलिक कलर में यहाँ कर रही हूँ। सो गाइज, बेस कोट कंप्लीट ड्राई होने के बाद में अब हम करते हैं कलरिंग। बट कलरिंग करने से पहले मुझे तो ये व्हाइट कलर में ही बहुत सुंदर लग रहा है। व्हाइट केसल कितना प्रिटी लग रहा है गाइज। बट कोई ना, हम इसको कलर करते हैं, क्योंकि कलरिंग के बाद में ये और भी ज्यादा सुंदर लगने वाला है। और कलर करने के लिए मैंने सबसे पहले जो शेड लिया है वो लिया है कर्लिन ब्लू शेड। तो ऊपर की तरफ मैं इसमें थोड़ा सा शेडिंग भी देने वाली हूँ, तो कर्लिन ब्लू ले रही हूँ। और नीचे की तरफ जब हम कलरिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा शेडिंग देंगे व्हाइट कलर मिक्स करके। एंड देखते जाइए किस तरह से मैं कलरिंग करती हूँ। सो गाइज, ब्लू कलर करने के बाद में मैंने यहाँ लिया है ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर में मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स कर दिया है। तो गेट के अंदर की साइड में जो मैं कलर कर रही हूँ वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर रही हूँ, और नॉर्मल जो ब्राउन कलर है मेरे पास डार्क ब्राउन शेड, वो मैं करने वाली हूँ ऊपर की तरफ गेट में, ऊपर की तरफ डोम शेप में भी डार्क ब्राउन करने वाली हूँ। तो अब ये ब्राउन कलर का शेडिंग आप देख लीजिए कि किस तरह से ये कलरिंग हो रहा है। आप कलर अपनी पसंद से भी ले सकते हो, अपनी चॉइस से भी ले सकते हो, और कलरिंग करने के बाद में ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है गाइज। तो ब्राउन कलर कम्प्लीट करते हैं हम इसमें। हमने कंप्लीट कर लिया है, और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है मेरा कैसल। बट अब मैं इसे गोल्डन टच दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिया है पर्ल मेटेलिक गोल्डन कलर, एक्रेलिक कलर ही लिया है। और डोम के ऊपर मैं दो कोट गोल्डन कलर के कर लूंगी, एंड ब्लू शेड जो हमने किया है उसमें भी हल्के हल्के हाथों से कुछ टेक्सचर दे देंगे गोल्डन कलर का, क्योंकि बैकग्राउंड में हमने टिश्यू स्टिक किया है। तो बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर लग रहा है गाइज, बहुत ही सुंदर लग रहा है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको मेरा कैसल। और गेट पे भी कुछ गोल्डन टच दे देते हैं, बट ये यहीं पर फिनिश नहीं हो जाता है, हमें इसे अभी तो वार्निश करना है। बिना वार्निश के आप इस तरह के आर्ट पीस नहीं रख सकते हो, अदरवाइज कलर फेड हो जाते हैं और बहुत ही स्टिकी होते हैं कलर्स, इसलिए हमें इसे वार्निश करना है। वार्निश के लिए मैंने लिया है डेकोर वार्निश, कुछ ड्रॉप्स इस तरह से पोर करनी है और ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर लेनी है। गाइज, जब भी आप इस तरह के आर्ट पीस बनाएं, आपको कम से कम 3-4 कोट डेकोर वार्निश के करने होंगे, तभी ये काम आएगा, अदरवाइज एक कोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो गाइज, कैसा लग रहा है मेरा कैसल? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये कैसल गाइज। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, कॉमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू सून विद न्यू क्रिएटिव आइडिया, बाय।